जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डिग्री शहर में अपना दस्तरखान स्टार्ट किया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग आना शुरू हुए हैं और हम मलिक साहब और अली साहब के इंस्ट्रक्शन के ऊपर मजीद सिंध के और शहरों में भी अपने दस्तरखान लगा रहे हैं और हमारी और भी टीमें निकली हुई जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, उसके साथ टेंट और मुख्तलिफ चीज़ें जो लोगों को प्रोवाइड कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारी टीमें केपी की भी निकली हुई है, इसी तरह से बलूचिस्तान में भी काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम हर चीज़ में आगे हों और अभी भी आप देख रहे हैं और यहाँ पे हज़ारों सैकड़ों की तादाद में लोग आना शुरू हुए हैं और इनको हम दो वक्त का खाना खिला रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारा दस्तरखान चलता रहेगा। मैरियों में अभी हम इनको बिरयानी खिला रहे हैं, पुलाव है, वेजिटेबल पुलाव है, फिर चिकन पुलाव है, इसी तरह दाल रोटी और मुख्तलिफ चीज़ें जो है हम इनको प्रोवाइड करेंगे। बस ये जब तक सूरत हाल ये चल रही है फ्लड की तो हम तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी फंक्शनल जो सिंध में 12 दस्तरखान है जो 10-12 साल से चल रहे हैं और अभी भी हमने शिकारपुर, मिटियारी, जैकवाबाद, कश्मोर और भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में लगाए। शुक्रिया अदा करता हूँ, ये खाना सही फर्स्ट क्लास है, हम गरीब आदमी खा रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। शुक्रगुजार हैं मलिक रियाज़ अहमद के जिन्होंने यहाँ हमारे मोहम्मद अली गोट के पास जो नसरुल्ला गार्डन है और वहाँ पे एक दस्तरखान लगाया। हम अपने दौर में भी एलियाने गोट जो थे वो इसको इस दस्तरस में शामिल थे लेकिन ये एक दस्तरस बहुत बड़ी है तो इसमें क्या नाम है, हमने हमारी कोशिशों से एलियाने गोट की कोशिश है आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तरखान शुरू हो चुका है जो कि नसरुल्ला गार्डन चंदोजान मोहम्मद रोड पे है। अल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा और आगे भी जो कोशिशें हैं वो जारी रखेंगे इंशाल्लाह।